हैं। जैसे स्मिथल, ये हमने इसलिए ये सवाल पूछा डॉक्टर साहब से क्योंकि ये एक पता चले कि आखिर जब हम ये कहते हैं कि कोई भी एसिड सर्वाइवर है, पुलिस उसको हॉस्पिटल ले जाए, इमीडिएट उसको हेल्प मिले, हॉस्पिटल भी चला गया एक व्यक्ति, और कॉम्पनसेशन की यदि हम बात करें तो जो अभी तक हमारे लीगल सिस्टम में कॉम्पनसेशन है वो इतना कम है कि एक एसिड सर्वाइवर तो उसके साथ कोई उम्मीद ही नहीं बांध सकता। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत है? हालांकि कोर्ट ने 50,000 से बढ़ाकर इसे 1.5 से 3 लाख रुपए तक किया है, लेकिन क्या वो सफिशियंट है? एसिड अटैक के मामलों को विशेष रूप से निगरानी की आवश्यकता होती है, और जहां तक कंपनसेशन की बात है, कंपनसेशन न्यायालय दिला सकता है, अभियुक्त से दिला सकता है, और अगर न्यायालय ये उचित पाता है कि ऐसे मामलों में जो निर्धारित सीमा 3 लाख रुपए की है उससे अधिक देने की स्थिति अभियुक्त की नहीं है, तो ऐसे मामलों में राज्य सरकार को भी निर्देश दिया जा सकता है कि इस पीड़ित व्यक्ति का समुचित इलाज कराया जाए, या इलाज पर जो भी व्यय आवे वो राज्य सरकार वहन करे। तो न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है। जहां तक कंपनसेशन का प्रश्न है, कंपनसेशन अभियुक्त से भी दिलाया जा सकता है, और राज्य सरकार को भी इस बारे में निर्देशित किया जा सकता है। बिल्कुल, उसमें कोई बाधा नहीं है।